एक तरफ तो कोरोना से निपटने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और सुरक्षा का खासा ध्यान रखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में अशोकनगर जिला अस्पताल से गंभीर लापरवाही सामने आई है। दरअसल जिले के मुंगावली तहसील के ग्राम बडौली में कोटा राजस्थान से आई एक 16 वर्षीय युवती बुरी तरह से बीमार है। संभावना जताई जा रही है कि उसमें कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। वहीं जब युवती जिला अस्पताल पहुंची तो कुछ पोल खोलती हुई तस्वीरें यहां से सामने आई हैं, जहां सुरक्षा का जरा भी ध्यान नहीं रखा गया। जानकारी के मुताबिक कोटा में रहने वाली युवती के पिता की मौत 21 मार्च को हो गई थी, जिनकी डेड बॉडी लेकर वो अपने रिश्तेदारों के साथ कोटा से मुंगावली के बड़ौली गांव आई। इसके बाद अचानक ही युवती के पेट और सिर में दर्द होना शुरू हो गया। उसे खांसी और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए। उसका यहां पर परीक्षण करने पर युवती को जिला अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन यहां गंभीर लापरवाही देखने को मिली। पीड़िता को अस्पताल वार्ड से एम्बुलेंस तक पैदल ही चलाकर ले जाया गया, जबकि युवती को डॉक्टर ने बोतल लगाई हुई थी, उसे स्ट्रेचर भी नसीब नहीं हुआ और उस बोतल को उसके चाचा हाथ में पकड़े हुए थे। इसके अलावा युवती के परिजनों को अस्पताल से ग्लव्स और अन्य सुरक्षा संबंधी सामान भी नहीं दिया गया, जबकि कोरोना से निपटने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और कई सावधानियां भी बरती जा रही हैं। अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों की लापरवाही लोगों का बड़ा नुकसान कर सकती है। जब इस पूरे मामले में मेडिकल ऑफिसर योगेंद्र सिंह से बात की गई, तो उन्होंने इसके लिए अस्पताल स्टाफ और वार्ड बॉयों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक ही कुर्सी है, लेकिन स्टाफ और वार्ड बॉय हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहे हैं, घर बैठ गए हैं। उन्होंने शासन से मांग की है कि सभी को काम करने के लिए कहें, नर्स और डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। फिर 1 बजे हमारे हॉस्पिटल में वैशाली सेन नाम की एक लड़की, जिनके पिता की भी अभी 2 दिन पहले अज्ञात कारणों से देहांत हुआ है, बड़ौली गांव से हमारे यहाँ आई थी जो है इलाज हेतु। और जब भी आई थी तो ये बता रही थी कि उसे खांसी है और जो है तेज बुखार भी आ रहा है, और कह रही थी कि मुझे सांस लेने में थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो रही है। और बोलते बोलते मेरे सामने ही जो है थोड़ी देर में वो एकदम से ज़मीन पर बैठ गई। फिर हमने उसको अपने वार्ड में जो है शिफ्ट कराया और उसे ऑक्सीजन पर लिया। ऑक्सीजन पर लेने के बाद हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में बताया, तो मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश दिया कि जो है आप उन्हें आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करा दें। तो जब हमने सिस्टर को आइसोलेशन वार्ड में ले जाने के लिए बोला, तो उस वक्त पेशेंट के अटेंडर उसको पैदल चलाकर ही जो है इस हालत में आइसोलेशन वार्ड में ले गए। हमारे पास कुर्सी एक थी, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कुछ स्टाफ जो है अभी भी काम नहीं कर रहा है, वार्ड बॉय काम नहीं कर रहे हैं, वार्ड बॉय सब बैठ के अपने अपने घर बैठ गए, यहाँ डॉक्टर और सिस्टर ही अकेले काम पर लगी हुई है। दुखद है, मैं शासन से कहना चाहूंगा कि यहाँ आदेशित करें सबको, वार्ड बॉय वगैरह सब काम करें, सहयोग करें। सागर टीवी न्यूज़ के लिए राहुल कुमार जैन की रिपोर्ट।